करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन या हमारी पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए ज़रूरी है फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी हर स्फीयर ऑफ लाइफ में काम आता है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं योगा के ज़रिए जिससे हम अपना फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव कर पाएँ? कुछ ऐसे आसन हैं जो स्पेशली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द आसनास, विच इज़ हेड स्टैंड या शीर्षासन। थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉस्चर है, इसको करने का एक सही तरीका आपको सिखाते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं शीर्षासन या हेड स्टैंड। सो टू गेट इन टू अ हेड स्टैंड, पहले आप आराम से वज्रासन में तो हम सभी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेजर योर एल्बोज कुछ इस तरीके से। ये दूर नहीं है हमसे, एकदम पास में, ये बहुत दूर नहीं है। ये हमने अपनी एल्बोज को मेजर किया। देन ओपन आउट योर हैंड्स राइट देयर, और एक छोटा सा ट्राइपॉड सा बना लिया जिसमें हम फिक्स करेंगे द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ आवर हेड। यहाँ तक आप सभी कर पाएंगे, यहाँ तक के स्टेप्स जरूर अटेम्प्ट करिए। फिर आप अपना हिप्स को उठाएंगे, पैरों के बल पे आते हुए नीज को भी उठा देंगे। यहाँ तक आप रोज अटेम्प्ट करिए, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए पैरों से हाथों की ओर। एक और आसन है जो आराम से कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। अगेन इट इज मेंट टू इम्प्रूव योर फोकस, बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। वो है वृक्षासन और अ ट्री पोज। सो आप एक पैर पर खड़े होंगे और दूसरे पैर को सपोर्ट के साथ ऊपर लेके आएंगे अपने थाई की सपोर्ट पे। ट्राई टू फोकस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे देखते रहें। जितना आप एक ही पॉइंट पे देखते रहेंगे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। खड़े रहेंगे इसी पोस्चर में एंड देन यू कैन कम आउट। इसको दोनों साइड पे रिपीट कर सकते हैं, वृक्षासन और ट्री पोज। एक्सलेंट फॉर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जो भी बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन आसन्स को थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करिए। एक मिनट से दो मिनट का वक्त आपका लगेगा और आपका ब्रेन शार्पर होगा।